जमशेदपुर कोल्हान के प्रसिद्ध मंदिरों में एक पोटका के हरिणा मुक्तेश्वर धाम मंदिर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यदि सरकार इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करती तो स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता और सरकार को भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता। बताया जा रहा है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा आदि तमाम राज्यों से हरिणा मुक्तेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है जो भी श्रद्धालु यहाँ पर सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकार इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित और विकसित करती है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को अच्छा खासा रोज़गार मिलता और सरकार को भी अच्छा खासा इस जगह से राजस्व मिलता, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है। जी, मैं मुक्तेश्वर धाम मंदिर के बारे में कहना चाहूँगा कि यह जो है सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है झारखंड में, और यहाँ से काफ़ी दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं अपना मनोकामना पूर्ण कराने हेतु। बाबा भोलेनाथ हर किसी को आशीर्वाद देते हैं और मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। ये हरिणा जो मंदिर है ना, बहुत दूर दूर से आदमी लोग आता है यहाँ का पूजा कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आने से दूर दूर का आदमी लोग का मनोकामना पूरा होता है। और है यहाँ का बड़ा मंदिर होता है झारखंड का। ठीक है, और भक्त लोग का जैसा सुविधा होने से और थोड़ा अच्छा होता, पर्यटन यदि अगर बढ़ता तो ठीक है, और दुकानदारी बढ़ता, यही तो है। ये जो हरिणा मंदिर है, जितना लोग आता है इसमें मनोकामना पूर्ण होता है। इसमें झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल सब आदमी आता है, जो पूजा करता है उसी का ही मनोकामना पूर्ण होता है। तो इसके बाद जो हम लोग का श्रावणी जो आता है, श्रावणी में देखने से आदमी परिपूर्ण जैसे एकदम हम लोग का मेला जैसे लगता है, उसे ही आदमी लोग आता है। श्रावण में मुक्तेश्वर बाबा नाम करके पानी डालिए, मनोकामना आपका पूर्ण होगा। पंडित ठाकुर का कोई दरकार ना है, आप बूढ़ा बाबा नाम करके आप ढलिए मुक्तेश्वर बाबा, जो ही मुक्तेश्वर बाबा बोले सब मुक्ति पाएगा। हम लोग का जो इसमें सरकार का जो नियम नीति चल रहा है, इसमें अगर पर्यटन स्थल होगा तो कुछ आदमी लोग का रोजगार रोटी मिलता है। सरकार इसमें कुछ ध्यान नहीं देता है, देखने से मनोकामना सब आदमी का पूर्ण होता है।